कि मैं मोरबी निवासी श्री राम की सौगंध खाकर कहता हूं कि मोरबी शहर में अब एक इंच का भी न तो अतिक्रमण होने देंगे और ना ही एक हिंदू बच्ची को विधर्मियों के घर में जाने देंगे। और इसके लिए हम तन मन और धन से विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, हिंदू जागरण मंच ऐसी संगठनों के साथ जुड़कर जमीन पर कार्य करेंगे। बुरखे में बच्ची जा रही तो आप अंदर से आपकी मर्दानगी में तकलीफ आती है। कैसा जा रही उन्हें बुरखा पहन के हमारी बच्ची? रोको उसको, उन्हें बुरखा नहीं पहन के गई तो नहीं, कोई बात नहीं। और आप कौन होते भाई किसी को रोकने वाले? आप होते कौन? आप क्या सऊदी अरब की पुलिस है? वो भी खत्म हो गई वहां पे। आपका काम नहीं है कानून को हाथ में लेना। खामखा रोकते कैसा बुक कर लेते। और अगर आप किसी को रोड पे रोक के जलील करेंगे, वीडियो निकालेंगे तो बच्ची बागी हो जाती हो। मैं जानता हूं दो केसेस में किसी ने हिमाकत की, वो बच्ची आके मेरे को बोली कि मेरे को आज से बुरखा ही नहीं पहनना है, मेरे को नमाज नहीं पढ़ना है। तो चिढ़ती हूं मुसलमानों से। क्यों पूछा मैं? मेरे को जलील किए। क्या बोली बच्ची कि हां मैं गुनाह करी। इन्हों फैसला करने वाले, अल्लाह फैसला करने वाला है मेरा। और फिर उस बच्ची ने कहा कि असद साहब ये लोग गुनाह मेरे को रोक रहे ना, चलो मेरी शादी कराओ। और ना ही एक हिंदू बच्ची को विधर्मियों के घर में जाने देंगे। तुमको अगर कोई बच्ची पसंद है या बच्ची को बच्चा पसंद है, उन्हें नेक है, और बच्चियों से कह रहा हूं अम्मा तुम्हारा ख्याल रख सकता हूं उन्हें, डू इट, गेट मैरिड। व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? जब प्यार किया तो डरना क्या? हैदराबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने एक तकरीर की, उसमें यह कहा कि अगर कोई बुरखापोश मुस्लिम लड़की गैर मुस्लिम के साथ अगर जा रही है तो आपको कोई एतराज नहीं होना चाहिए। आप खामखा के उसको रोक कर न उलझे, क्योंकि आप कोई सऊदी अरब की पुलिस नहीं है, बल्कि सऊदी अरब में भी आजादी समझिए क्या हासिल है। यानी इसका मतलब यह है कि संघ परिवार का जो एजेंडा है कि मुस्लिम लड़कियों को फंसाया जाए और मुस्लिम लड़कियों की जिंदगियों को तबाह किया जाए, कुछ महीने उनके साथ रह जाए और फिर या तो प्रेग्नेंट कर दें या फिर उसके बाद कुछ महीनों के बाद उनको छोड़ दिया जाए। सैकड़ों केसेस ऐसे हैं। अभी मेरे सामने एक हमारे दोस्त मुख्तलिफ समझिए रियासतों का डेटा रख रहे थे, तो साउथ इंडिया में, बल्कि मैं चेन्नई और समझिए के केरला वगैरह की बात नहीं करूंगा, सिर्फ तेलंगाना में शहर हैदराबाद का जो समझिए के डेटा आया है उसमें 3,500 मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ शादी करने की बात आई है। उसी तरह मुख्तलिफ रियासतों के भी फिगर्स आए हैं। और हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट समझिए कि ये कहते हैं कि अगर कोई गैर मुस्लिम के साथ जाती, उन्होंने ये नहीं कहा कि मां बाप को तलकीन नहीं की कि भाई दीनी बच्चों को समझिए दीन सिखाया जाए, बच्चों को दीन की तरबियत दी जाए, अखलाक सुधारे जाए। पर्सनल्ला बोर्ड एक मुहिम चला रहा है, मुल्क के तमाम उलमा मुहिम चला रहे हैं, लेकिन इन्होंने ये तलकीन की है कि अगर कोई प्यार कर रहा है तो मां बाप के पास जाए और समझिए कि बरमला ये कहें कि हमको उससे प्यार है। और मां बाप की जिम्मेदारी है कि वो जो अगर प्यार किसी लड़की को किसी लड़के से, किसी लड़के को किसी लड़की से हो जाता है तो ये 1959 नहीं है बल्कि 2021 है, 21वें समझिए सदी में आप कदम रख चुके हैं, आप समझिए कि उसकी शादी कर दें। यानी कुरान का हुक्म है कि नहीं अनिल मुनकर ता अमरूना बिल मारूफी व तनहाउना अनिल मुनकर, तो आप नहीं अनिल मुनकर की समझिए कि साहब नफी कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि बुराई को अगर देखो तो आप मत रोको, आप तमाशा देखो। यानी संघ परिवार के एजेंडे की तकमील आप करो, आपको कोई अख्तियार नहीं है कि आप कुछ समझिए कि साहब तलकीन करें या समझाएं।